हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसने बैंड बजा रखी है भैया, क्योंकि बच्चा सेवन्थ एट्थ में भी पढ़ लेता है, कई बच्चे प्री फाउंडेशन में भी पढ़ लेते हैं, और वो ट्वेल्थ तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सो द मेजर importance of this chapter is, if you do not know what is mole concept, तो आगे तो band बजने ही वाली है। मतलब ये कि mole concept एक ऐसा topic है जो बहुत ही fundamental है। In fact, this is the part of fundamental chemistry, और अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत मुसीबत में रहेंगे। In fact, you will lose your interest in chemistry, because जब chapter शुरू होते हैं खासकर केमिस्ट्री के, तो आपको पहले दूसरे चैप्टर में ही मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, और पहले दूसरे चैप्टर में ये डिसाइड हो जाता है वेदर यू स्टिक विद द सब्जेक्ट और यू विल लूज इन द सब्जेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ये जीवन है अनमोल, प्यारे समझ तू इसका मोल। नहीं, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया, लेकिन आखिर मोल है क्या? मोल को समझना है तो एक कहानी सुननी पड़ेगी। मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है कोई भी नाम रख देते हैं, लेट से नाम है राजू। है राजू, ठीक है। अब राजू को मैंने बोला कि गो एंड गेट 1 dozen बनाना, एक दर्जन बनाना लेके आओ। तो आप बोलोगे कितना लेके आएगा? वो 12 केले या 12 बनाना या 12 यूनिट ऑफ बनाना लेके आएगा। यस और नो? यस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 gram बनाना लेके आओ, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, आप गलत यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग यूनिट, दिस इज अ राइट यूनिट। यस और नो? यस। अगर मैं बोलूं कि 1 kiloliter वॉक करके आओ, तो आप बोलोगे सर गलत है, किलोलीटर में वॉक नहीं हो सकता है, लीटर या ये जो वैल्यू है वो वॉल्यूम के लिए होता है ना। अगर मैं बोलूं कि 1 kilogram एक किलोग्राम लेट से ये लेके आओ, क्या जैसे लेके आ गया मिल्क लेके आओ, चलो तो 1 kilogram मिल्क लाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिल्क के लिए हमें अलग यूनिट यूज करने पड़े, बिकॉज वो लिक्विड है। हाँ ना? तो कहने का मतलब ये कि डजन इज अ यूनिट, ठीक है, डजन इज व्हाट अ यूनिट, और वो यूनिट कितने को दिखाती है? 12 को दिखाती है। समझ में? ये सभी भी यूनिट है, लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएट या करेक्ट यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब इसी चीज को केमिस्ट्री में लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने फिर से राजू को बोला, क्या बोला? राजू तुम मेरे लिए 23 gram सोडियम लेके आओ। तो भाई वो ला सकता है 23 gram सोडियम, है ना, वेट करके ला सकता है, 23 gram इज अ रिलेवेंट क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम लेके आओ, तब इसके लिए ये ला पाना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज 23 AMU इज व्हाट? 1 sodium atom। बच्चों, एक सोडियम एटम तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे, और जब हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे तो बेचारा राजू लेके कैसे आएगा। मतलब ये कि जो एएमयू है ये एक इररिलेवेंट वैल्यू है, और ग्राम क्या है? एक रिलेवेंट वैल्यू है, हाँ ना। तो इस इररिलेवेंट को इस रिलेवेंट के साथ एक रिलेशन में कनेक्ट करना, ये किसका काम है? ये काम है किसका? मोल का। फिर से क्वेश्चन आएगा, अरे सर ये तो बता दो मोल क्या है। सिंपल, मोल इज अ यूनिट, मोल
इज अ यूनिट। मोल क्या है? एक यूनिट है। मतलब जैसे मैंने लिखा वन डजन इज इक्वल टू 12, ऐसे अगर मैं लिखा वन मोल तो वो इज इक्वल टू 6.023 × 10³। अच्छा, इसको कहते क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते भैया? एवोगैड्रो नंबर। अब ये क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कई लोग इसको इतना बड़ा ना लिख के शॉर्ट में एन, कैपिटल एन और ए लिख देते हैं ऐसे। एन ए का मतलब ये है एवोगैड्रो नंबर। फिर एक गो क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन आने चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग एंड योर ब्रेन इज रियली वर्किंग, इट विल डेफिनेटली थ्रो यू सम क्वेश्चंस। अगर आप पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आप खोए हो या सोए हो। अभी आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। यस, तो इफ यू हैव सम डाउट, डेफिनेटली दे विल बी देयर इन योर माइंड और आपका मन होगा पूछने के लिए। और क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है वो डाउट क्या होंगे। डाउट आपके मन में ये आएगा कि सर आखिर ये वैल्यू वन मोल में सेट कैसे होती है, पहला क्वेश्चन। या आपके मन में ये होगा कि आखिर ये मोल की शुरुआत कैसे हुई, किसने ये झंझट कर दिया। एक्चुअली इसकी शुरुआत ओसवाल्ड ने की थी, शायद 1867 के आसपास, ठीक है। और जो ओसवाल्ड ने किया, उन्होंने क्या किया, एवोगैड्रो के साथ इसका एक कनेक्ट डेवलप किया, ठीक है बच्चों। याद रखिए, ये आपको समझना जरूरी है। आप कंफ्यूज होते हो, ग्राम एटॉमिक मास होता है कि नहीं, ग्राम मॉलिकुलर मास, मोल, ये ऐसे शब्द आएंगे जिसमें आप अटकोगे। मैं आपको सिर्फ मोल पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। याद रखिए, ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए है, सबके काम का है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोल की बात होगी। ए टू जेड हम मोल के बारे में बात करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, प्रॉमिस। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सबके लिए ये काम कैसे करता है। पहला क्वेश्चन आता है मोल। मोल के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर बोल दिया, लेकिन मोल किसके लिए? फॉर एटम। एटम के लिए मोल को कई लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कहानी मैं आपको समझा देता हूं, कि वाई मोल फॉर एटम इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, ये समझ जाओगे ना तो ग्राम मॉलिकुलर मास में कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास कैसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से, एटॉमिक मास इज ऑलवेज फॉर वन एटम। मैं लिख देता हूं फॉर वन एटम। एटॉमिक मास जब भी बोलते हैं ना, मतलब वो एक एटम का मास है ना। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 amu, एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम का एटॉमिक मास 23 amu है। अब इसी amu को अगर मैं ग्राम में लिख दूं, 23 ग्राम कर दूं, amu की जगह ग्राम, कुछ नहीं किया मैंने, amu की जगह सिर्फ ग्राम कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, मतलब फॉर वन मोल ऑफ सोडियम। समझ में आया? मतलब ये कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम ग्राम में लिख दें, इफ वी पुट एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इंस्टेड ऑफ दैट एएमयू, देन इट विल शो वन मोल ऑफ एटम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वन मोल ही ग्राम एटॉमिक मास है, जो भी वेट आपको मिला है। जैसे अगर कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम का मास होता है 40 amu, तो अगर आपको कोई 40 ग्राम दे दे, आप बोल देना वन मोल दे रहा भाई। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है? तो ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए हो गया? एटम के लिए। सेम चीज होती है किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स।
फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, हम इसको क्या बोलेंगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, जैसे मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, लेट से मैंने ले लिया पानी ले लिया, सबसे सस्ता टिकाऊ है, तो मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास मतलब फॉर वन मॉलिक्यूल, मैं लिख देता हूँ फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ वाटर इज 18 amu, 18 कैसे होता है जिसको नहीं पता बच्चों को वो भी देख लो, H2O, हाइड्रोजन का मास 1, 2 है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का मास 16, तो इसलिए कितना आ गया 18, ऐसे आता है 18, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज व्हाट, 18 amu। अब अगर मैं इसी 18 को ग्राम में लिख दूं, समझ गए तुम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका मतलब एक मोल ऑफ H2, सेम है, यस और नो, बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, मैं आपको इनफैक्ट 5 फॉर्मूले बताऊंगा, ये 5 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर का पंडित बना देंगे, और उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है मैं सब बताऊंगा, तो एक एक करके सब बैक टू बैक समझ लेते हैं बच्चों। अब मैं आपको मोल्स के फॉर्मूले बताऊंगा, मोल फॉर्मूला, फॉर्मूलास कर दो लो, बहुत सारे होने वाले ना। पहला नंबर 1 फॉर एटम, एटम के लिए। अच्छा गाइज, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको याद है मैंने आपको यहां पर एक स्लाइड में यह दिखाया था कि रिलेवेंट क्या है और इररिलेवेंट क्या है। रिलेवेंट इज ग्राम, ग्राम हमारे लिए रिलेवेंट वैल्यू। देखो मैं इररिलेवेंट और रिलेवेंट को समझा देता हूं, क्योंकि कई लोग बड़े महापुरुष होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ गुड, उनको गुड में भी कुछ अच्छा ढूंढना है जो अलग ही लेवल पे उनके दिमाग में जाए। रिलेवेंट का मतलब जो हम मेजर कर सकें, क्या हम ये AMU मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको इजीली वेइंग मशीन पे मेजर कर सकते हो, नहीं। तो जो इजीली मेजरेबल है, जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें, उसको रिलेवेंट बोलेंगे, जो आसानी से मेजर ना हो वो हमारे लिए इररिलेवेंट कहलाएगा ना। अरे भाई हम ग्राम किलोग्राम मिलीग्राम सेंटीग्राम ये वेट नाप सकते हैं, हम ये थोड़े ना नापते बैठेंगे AMU, हमारे पास घरों में इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट थोड़े ना होते हैं कि हम एक एक आइटम को ढूंढ लें, यस और नो, गॉट इट। सो आपको क्या याद रखना है कि जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा वो AMU और इनके बीच में बनेगा, ग्राम के बीच में, रिलेवेंट और रिलेवेंट के बीच में, ठीक है, टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं। तो चलो आ जाओ अपनी पिक्चर पे, क्या थी भाई अपनी पिक्चर, फॉर एटम हम बात कर रहे थे, ये सुनो, तो एटम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास, जो भी मास आपको गिवन है, अब गिवन मास आपको ऑब्वियसली किसमें होगा, ग्राम्स में, इन ग्राम्स होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए जो भी है, अगर आपको मिलीग्राम में दिया है तो भी ग्राम में चेंज करो, किलोग्राम में दिया है तो भी ग्राम में चेंज करो, सेंटीग्राम में दिया है तो भी ग्राम में चेंज करो, डेका हेक्टा किसी भी में दिया हो आपको ग्राम में लेके आना है, समझ में। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक को पढ़ लेना, केजी में भी पढ़ा, केजी तो बहुत कम हो गया, आपको बचपन से पढ़ाया जाता, बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखो कि आपको इसको ग्राम में लेके आना है वैल्यू को। क्वेश्चन में कई बार वो लोग उल्लू बनाते हैं और आप लोग बन भी जाते हो, क्योंकि आप लोग यूनिट्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ते, ठीक है। तो गिवन मास आपको ग्राम्स में रखना है, ठीक है, नीचे होना चाहिए एटॉमिक मास, और ये किस में होना चाहिए, इन AMU, या कई लोग केवल यू लिखते हैं, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। प्यारे बच्चों हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अगेन फंडामेंटल केमिस्ट्री, और उसमें हमने बात किया था एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और उसको यू क्यों बोलते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास, और हम वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन 12 को यूनिफाइड मास मानते हैं। वन ट्वेल्थ मतलब 1/12 भाग किसका, कार्बन 12, ऐसा कार्बन जिसका मास 12 हो तो उसका 1/12, यार 12 का 1/12 एक ही आएगा ना, देखो
12 का 1/12 1/12 कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, इसलिए इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग हर चीज को कंपाइल किया करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको कंपाइल किया करो। ठीक है, ज्ञान तभी हमें काम आता है जब हम उसको रिकॉल करते रहे, उसको यूज करते रहे। अगर आप पढ़ के सिर्फ रख लोगे कुछ नहीं होगा, जो पुराना पढ़ा है उसको रिकॉल करो और आगे अप्लाई करो, धीरे 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 आप महान बनोगे। ठीक है, यही टेंशन है ना आपको कि आपको भूल जाता है, कोई कुछ नहीं भूलेगा, क्या जो पढ़ा है उसको यूज करने की कोशिश करो, जहां जहां यूज कर पाओगे हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे गांव में अक्सर लोग बोलते थे कि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्यों, क्योंकि आसपास सब हिंदी बोल रहे हैं। तो बेस्ट तरीका क्या था कि जैसा भी आ रहा है बोलना शुरू करो, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप को थोड़ा सा और पुश करो, धीरे 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 टूटा फूटा जो भी आएगा बोलने लगोगे, और ऐसा करते हैं लोग, समझ में आई बात। तो हियर इट इज, एक ये किसके लिए है बच्चों, फॉर एटम, दिस इज फॉर एटम। अब अगर मेरे को इसी चीज को लिखना है किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूल, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, ऊपर रहेगा गिवन मास, ऑब्वियसली इन ग्राम्स होना चाहिए, और नीचे रहेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये किसमें होना चाहिए, इन amu या u में होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक जैसे ही है ना, गिवन मास, एटॉमिक मास, एटम तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, यस और नो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब बात करते हैं तीसरा, फॉर पार्टिकल्स, ये फॉर पार्टिकल्स का क्या कहानी है, हमको पता है कि इन वन मोल देयर इज वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद है अपन ने यहां पे देखो देखा भी था कि वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। ठीक है, ये देखो अपन देखा ना, वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, मतलब एक मोल में इतना सारा है, तो आधा मोल में कितना, दो मोल में कितना, तीन मोल में कितना, नहीं समझ में आई बात। तो एक मोल में इतना, अरे बाबा समझो ना, एक रुपए में इतने सारे लड्डू, तो पांच रुपए में कितने लड्डू, 50 पैसे में कितने लड्डू, बस वो एक लीनियंट इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है एक मोल में 6.023 × 10^23। सियावर रामचंद्र की जय। तो इसके लिए फॉर्मुलेट कैसे करें इसको, तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि अपन तो स्टार लोग हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे, एन बाय एन ए, एन बाय एन ए क्या है, एन ए तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एन कर दो और एवोगैड्रो नंबर को 6.023 × 10^23 कर दो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, यस और नो, परफेक्ट। अच्छा एक चीज मुझे आपको बताना है, ये बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि नहीं तो आप लोग अटकोगे, मोल के लिए वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जितने भी केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो सब लोग मोल के लिए एक ही सिंबल यूज करते हैं, क्या, मोल का एक ही सिंबल है, व्हाट, स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन, कैपिटल एन मत कर देना कभी भी, तो स्मॉल एन इज अ सिंबल ऑफ मोल। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर जो लिखा है ना ये मोल, इसको हटा के स्मॉल एन भी कर सकता हूं, समझ में, सो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय 6.023 × 10^23। अच्छा एक चीज और है, बच्चे कई बार है ना यहां पर −23 कर जाते हैं, बेटा ये संख्या है, वैल्यू, ठीक है, इट कांट बी नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर नहीं है तो जीरो रख सकते हो, अगर है तो पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव मत रख देना, थोड़ा IQ भी यूज करना। कई बार बच्चे सोचते सर मैं कंफ्यूज हो गया था, अरे बेटा कंफ्यूज हो भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये है ना इस्तेमाल करो कभी भी, जैसे मान लो ये पेन है तो एक वन, एक पेन है इसलिए वन, नहीं है तो जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ आई बात, मतलब सोचो थोड़ी देर के लिए।
तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी नेगेटिव मत कर देना, एवोगैड्रो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिडबर्ग कांस्टेंट या प्लैंक कांस्टेंट, ये सब दुनिया भर के कांस्टेंट याद रखते हैं, उनमें नेगेटिव वैल्यू आती है, रख देते उठा के। इनफैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31 kg की रेंज में आता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, तो पीपल यूज टू पुट नेगेटिव। सो मास कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, क्योंकि हम केजी के से कंपेयर कर रहे हैं ना, केजी के टर्म्स में रख रहे हैं, लेकिन यूनिट को नहीं कर सकते, है ना, ऐसा करना मत, ये अपराध हो जाएगा। अब एक ये तीन फॉर्मूले है, अभी एक चौथा फॉर्मूला मुझे बताना है, बट चौथे फॉर्मूले के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे हमारे लिए काम है, लेट्स टॉक अबाउट एवोगैड्रो। एवोगैड्रो को ही बात कर लेते हैं। एवोगैड्रो लॉ, ऑब्वियसली एवोगैड्रो लॉ मोस्टली किसके लिए काम करता है बच्चों, मोस्टली ये काम करेगा किसके लिए, फॉर गैसेस। गैसेस को हम वॉल्यूम में ही नापते हैं, ठीक है, और ये रूल आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे गलती होगी ही होगी, ठीक है, होगी ही होगी, भूलिएगा मत। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है, देन इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आपको नहीं समझा होगा, मैं हूं ना, चलिए इसको समझने के लिए एक पिक्चर देखते हैं। हमारे पास है, मान लेते हैं सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, लेट से थोड़ा भारी N2, थोड़ा और भारी O2, और लेट से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने ले लिया कंपैरिजन के लिए, दिस इज जस्ट फॉर कंपैरिजन, ठीक है, ठीक है, अच्छा। और यहाँ कंडीशन डाल दी, एट कॉन्स्टेंट TNP, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ये बात हजम होने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्यों, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये तो सबसे हल्का है, ये तो सबसे भारी है, इस गिवन चार्ट में ये सबसे हल्का, ये सबसे भारी, तो डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है, है ना। लेकिन देखो, अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, कि इसके मोल्स, और यहां पे मैं वॉल्यूम लिख देता हूं, वॉल्यूम, अगर इसका एक मोल में सपोज 22.4 लीटर है, मैं ये भी समझाऊंगा कैसे, इन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन देयर इज 22.4 लीटर गैस, तो इसके भी वन मोल में 22.4, इसके भी वन मोल में 22.4, इसके भी वन मोल में 22.4, और इसके भी वन मोल में 22.4 लीटर गैस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि गैसेस के लिए मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, खासकर तब जब आप उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मोल्स निकाल रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अगर एक सिलेंडर है, बहुत गंदी फोटो बना दी मैंने, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर, और अगर इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम अगर इसका क्या है, फिक्स है, टेम्परेचर प्रेशर भी मैंने फिक्स करके रखा है, तो इसके अंदर मोल्स भी फिक्स होंगे, चाहे गैस आप कोई भी डालो। सिलेंडर आपके पास है, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, आप चाहे हाइड्रोजन भर दो, कार्बन डाइऑक्साइड भर दो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा सकती है या कम जा सकती है, हाइड्रोजन कम जा सकती है क्योंकि हल्की, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिलेंडर का मास बदल जाएगा, हाइड्रोजन डालोगे तो सिलेंडर हल्का फील होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो सिलेंडर भारी फील होगा, लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस चीज को समझना। सो फॉर गैसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो दिस कॉन्सेप्ट,
जो मैं आपको अभी भी बताया, ठीक है। तो फोर्थ लॉ क्या है हमारा, फोर्थ लॉ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फोर्थ लॉ क्या है, यहां एक एक ये देखो, तो फोर्थ फॉर गैसेस मैंने लिख भी दिया, फॉर गैसेस क्या कि n इज इक्वल टू v बाय 22.4 लीटर। अच्छा याद रखना ये जो v है ना, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, v लिख भी देता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस। और याद रखना इसको भी इन लीटर्स में होना चाहिए, मतलब लीटर में ये वैल्यू होनी चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को और अच्छा लिख देता हूं कि n इज इक्वल टू v इन लीटर बाय 22.4, और अगर आपको ml में मिल रहा है तो v, अगर इट इज इन गिवन इन ml तो 22,400। ये फॉर्मूला आपको मिलना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। अभी भी एक चीज बाकी है, यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ क्योंकि हमको नोट की बड़ी जरूरत है भैया, बिना नोट के काम नहीं चलेगा, हाँ है ना। तो कई जगह पर आपको एक शब्द मिलता है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ मिलता है, देखोगे पढ़ोगे तो मिलेगा। तो क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है ml, ठीक है, वन क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 ml। अच्छा, और कई जगह पर आपको dl मिलता है, डेसीलीटर का, इसका मतलब क्या होता है, डेसीलीटर का मतलब क्या होता है, आपको बोल दिया उन्होंने कि 1 डेसीलीटर, तो डेसीलीटर मतलब 10^-3 लीटर्स। ये सीसी तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, सीसी के ऊपर बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर को बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्विस्ट, अभी आपने तो बोला था सर कि हमें 5 फॉर्मूले देंगे, अभी तो आपने 4 दिए। एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज आता है, और वो क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला नंबर 5। अगर कहीं पर आपको ऐसा हो जाए कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हटा देते हैं, इन 36 ग्राम ऑफ H2O, H2O के 36 ग्राम में हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालने हैं, और हमको क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स वाला, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं खासकर जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं। आप पहले ये समझो, सोल्यूशन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2O के, H2O में तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 × 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो दैट मींस यू विल गेट 10, एक में 10, तो कितने में कितना, समझ में आ रहा है ना, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा सिंपल सी। तो चलो आ जाओ, इतना तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, अब आ जाओ सीधे फॉर्मूले पे, लोड नहीं है, मॉलिक्यूल है ना, तो वी नो दैट, तुम लोग लिख देना फ्रॉम टुडे यू नो दैट, वी नो दैट क्या हमको पता है भाई, एन इज इक्वल टू जो भी मास है डब्ल्यू बाय मॉलिकुलर मास, ठीक है, मॉलिकुलर मास, तो डब्ल्यू कितना गिवन है आपको 36, और H2O का मॉलिकुलर मास मैंने आज ही सिखाया था आपको, तो दैट इज 18, मतलब कितना आ गया 2, हमको ऊपर ग्राम वाला लिखना पड़ता है ना, तो ग्राम वाला यही है 36, तो 36 और नीचे 18, तो 2 मोल आ गए बस। अब क्या आ गया, हमें ये भी पता है n इज इक्वल टू n बाय na, तो n इज इक्वल टू वॉट, n इंटू na,
एन कितना आ गया, 2 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो कितना आ गया 12.046 × 10³। ये भी आ गया n, n means what, number of particles या number of water particles, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, ये आ गया। Then, अच्छा ये आ गया number of particles, एक particle में कितने थे, one water particle have electrons, how many electrons we already calculated, 10, एक में 10, so in 12.046 हमने निकाला ना, देखो यहां पे 12.046 है ना, so in 12.046 10³ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या करोगे 10 से इंटू कर दो, तो 10 × 12.046 × 10³, तो अभी 23 क्या हो जाएगा, 12.046 × 10²। तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यही है कि आपको उस एक चीज के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, अगर कहीं पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ करना, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूफ करना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया, समझ में आया बच्चा पार्टी। तो अब मोल की जो हमने शुरुआत तो की, लेकिन मोल के बारे में थोड़ा सा और थोड़ी सी कहानियां भी मोल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ओस्टवाल्ड ने 1896 में इसकी शुरुआत की, या ये टर्म, ये शब्द दिया मोल, याद रखना ये, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओस्टवाल्ड ने दिया था क्या कि भैया इसको मोल बोलो, ठीक है, हमारे यहाँ तो मोल भाव पहले से चल रहा, सोचो हमारे यहाँ मोल चल ही रहा था, इनको बाद में दिमाग आया मोल लगाने का, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है, अब बात करते हैं क्या इसको एक बार में समझ, देखो आयंस के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, ग्राम एटम मॉलिकुलर, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, अच्छा फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला का मास, एक चीज कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास, मैं हूं ना, टेंशन नहीं, देखो मैंने यहां लिखा, लेट से कि मैंने यहां लिख दिया कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डॉट टू एच टू ओ, ठीक है, और यहां मैंने लिखा कैल्शियम सल्फेट, बस इतना लिख दिया। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, देखना, ठीक है, कैल्शियम का मास होता है 40, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 4 प्लस वाटर भी लिख लिया 2 × 18, ठीक है, तो ये 16 और 32 तो ये हो गया 96, है ना, 96 40 136, ठीक है, और 136 और 30 तो 136 और ये हो गया 36 तो 172, ये आ गया टोटल मास, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसका मास कितना है, इसका मास केवल 136 है, तो ये कहलाएगा मॉलिकुलर मास और ये कहलाएगा फॉर्मूला मास। प्यारे बच्चों फॉर्मूला मास एक्चुअली जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको भी इंक्लूड कर लेता है, पूरे फॉर्मूला को इंक्लूड कर लेता है, कितना भी बड़ा होने दो, समझ में आया, वो होता है फॉर्मूला मास, ठीक है, तरीका वही है और ये है सिर्फ मॉलिकुलर मास। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट, क्योंकि दो दो है ना, दिस इज जस्ट कैल्शियम सल्फेट, समझ में आया। तो ऐसा मत सोचना कि कोई अलग चीज है, आप गलती कर ही नहीं सकते, अगर आपको मॉलिकुलर मास पता है ना बाबा वही लगाओ, 99% लोग आज तक मॉलिकुलर मास को फॉर्मूला मास को डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं, वो उसी तरह से यूज करते हैं और सही जा रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो केमिस्ट्री में दुख की बात यह है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज हो गए मतलब पूरा फ्यूज हो गए, तो
कम आए बट सॉलिड आए, समझ में, कम आए बट सॉलिड आए। केमिस्ट्री हमको यही सिखाता है कि आप सॉलिड रहो जितना पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप लिक्विड और गैस पे चलोगे तो दिमाग से सब निकल जाने वाला है, क्योंकि लिक्विड है लिक्विडिटी वो बह जाएगा और गैसेस को आप ज़्यादा देर तक ट्रैप नहीं कर सकते। तो नॉलेज हैज़ टू बी वेरी वेरी सॉलिड। आप जो पढ़ रहे हो तगड़े से पढ़ो भैया, केमिस्ट्री तो यही सिखाता है, बाकी आपके दोस्त आपको कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसलिए भी कराए जाते हैं ताकि आप समझो कि इसका एप्लीकेशन कैसा है। अब आप समझो ये जरूरी है, तो चलिए देखते थे, ठीक है। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसमें क्या है, कैलकुलेट द मास। 0.5 मोल हमको पता है क्या, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम, पता है कि नहीं। यहां ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, ओके। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, बट ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मॉलिक्यूलर रहता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका मास चाहिए, ठीक है। तो मास मतलब डब्ल्यू चाहिए, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम, तो एन कितना दिया हुआ है आपको 0.5, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, मतलब कितना आ गया 16। सी समझ में आया। फिर यहां पे देखो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम देखो गैस एटम, तो बस सेम ऐसे ही, क्या हमें अभी अभी हमने लिखा क्या W इज इक्वल टू एन इंटू एम ए, है ना मास, तो n कितना है 0.5, और एटॉमिक मास कितना होता है 16, मतलब कितना आ जाएगा 8 ग्राम। ये सभी ग्राम में आना चाहिए, वो भी ग्राम में रहेगा जो पिछला हमने लिखा, ठीक है। फिर देखो तीसरा, ये तो आपको समझ में आ ही चुका है, ये जो हमने पढ़ा था तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला पार्टिकल वाला, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला क्या था, क्या n इज इक्वल टू n बाय एन ए, यस और नो, यही था ना, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट w बाय m, है ना, वेट बाय मॉलिकुलर मास, ठीक है, या एटॉमिक मास जो भी, यहां एटॉमिक मास लिख देता हूं बस। तो यहां पे सीधे सीधे इन दोनों कंपेयर कर दो, इन दोनों कंपेयर कर दो, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है 3.011 × 10²³ डिवाइड बाय 6.023 × 10²³। डब्ल्यू हमें निकालना है, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू रखो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो ये 1 ये 2, अरे ये 23 वैसे ही कट गए, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय 16, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट 16/2, दैट इज इक्वल टू 8। समझ में आया बच्चा पार्टी, सिंपल। फिर क्या है इसमें बताओ, 6.023 में जैसे अभी क्या सेम वैसे ही, ये वैसे भी 1 मोल आएगा, गिव इसका पार्टिकल दिया है ना, तो 1 मोल आएगा, तो 1 मोल में ऑक्सीजन का वेट कितना आता है 32 आता है। ये O2 लिखा है ना, ये O2 लिखा है, ध्यान दो, और ये O लिखा है। बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं, गैस अगर ऑक्सीजन गैस लिखा है तो भी O2 मानो, गैस बोलते ना ऑक्सीजन गैस तो O2, नहीं तो उनको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, आइदर दे विल राइट O और दे विल मेंशन इट एज ऑक्सीजन एटम, समझ में। फिर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप पंडित हो चुके हैं अभी, तो इसके क्या लोड क्या है आपको, ठीक है। हर चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, देखो ये सॉल्व कर दिया इन्होंने, ठीक है, डन। सो गाइज इन दिस वे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड मोल कॉन्सेप्ट। आई रियली होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो दोबारा देखो ना भाई वीडियो, फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। कुछ दिक्कत है फिर भी, आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, डाउट हब में पूछ सकते हो, अरे आपके पास 50 तरीके हैं हमसे जुड़ जाने के लिए, ठीक है। सो आई रियली होप एंड बिलीव दैट यू पीपल आर गुड इन द सब्जेक्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अगर कोई दिक्कत है तो आप सभी का फिर से स्वागत रहेगा, ठीक है, डाउट हब में जाके बिंदास पूछ लीजिए, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।